अस्सलाम वालेकुम गाइस। वो यार बैक एंड अनदर व्लॉग। तो आपका भाई उठ चुका है, रेडी शेडी हो गए हैं। तो आज हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। एक जगह पे आज काम भी जाना है ऑफिस, फिर रास्ते में हमें एक काम है तो वो भी आपको 8 मिनट बताएंगे। हो गए फिर जा यार, रहे हैं, जल्दी जल्दी आठ करो बज यार। गए हैं। तो भाई भी रेडी हो चुके हैं, तो बाकी लोग अभी सो रहे हैं। तो दो मिनट में यार सिरप पी आज लूंगा हमें थोड़ा यार। ऑफिस जाते हुए रास्ते में काम करना है। तो भाई ने अपना रिन्यू करवाना है, उसके बाद फिर उसने परमिट के लिए अप्लाई करना है। आज हम जाते हुए हमने बर्तन मार्केट में जो है इनका ऑफिस है वहां जाना है। उसके बाद फिर हम नाश्ता वगैरह करेंगे, नाश्ता करके फिर हम अपने ऑफिस की तरफ चलेंगे। चलो, तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बासानी मिल सके। तो अभी हम निकलते हैं अपने ऑफिस की तरफ, रास्ते में एक काम है और साथ में आपसे बातें भी होती रहेंगी। ये अनु वही चाबियां जो ये भूल रहे थे, तो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं यार, अभी चाबी भूल गए हो काम में। गए हो, हाँ चले फिर यही जाना ही अभी। बनता है। हम फिर जा रहे हैं ऑफिस। लड़कों के साथ जाते हैं हम, तो आज रक्षा जो है वो खराब हो गया है। 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट तक हम इंशाल्लाह अपने स्टाफ पे पहुँचे। मतलब फिर अब और थोड़ा लेट हो जाना है, है? कम लेट द लेट हो क्या जाएगा। हुए? टाइम नहीं हो हुए। गया 8:15 हो गए भाई। नहीं होते लेट करना की पर्ची लेनी ना, बस टोकन टोकन लेना, लेना बस। तो रास्ते में बस कमाल की से आज टोकन लेना है, टोकन फिर लेके दफ्तर वापस आके बनवा लाऊंगा। फिर वापस आओगे? हाँ आज कल जो क्या वो वहाँ पर रश रश बहुत ज़्यादा होता है। हाँ बंदा ही है गवर्नमेंट से सकती कि हर बंदा जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है। मैंने इसको पहले काफ़ी देर पहले कहा था कि आप अप्लाई कर लो, तो अभी ऐसे ना भी साथ जाना आपके ये डॉक्यूमेंट हमारे साथ चाहिए क्या? रंधी भी बढ़ लगा नंबर या ना 15 नंबर में हो गई। तो जैसा कि आपको बताया कि हम स्पीड ऑफ सेफ्टी करके हम मर्के पार्क में आ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अर्जेंट में अभी देखते हैं कितना रश है, कितना जो है रश है। आज हम तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो चुके हैं। पौने वो हाँ अभी रश काफ़ी होगा, तो रिपाई करते हैं कि जो हमें मिल जाएगी। देखते हैं नाजरीन, ये सारी मार्केट है यहाँ पे, छोटी बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। शाम को यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती है,
अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी सिर्फ नाश्ते वाली जो है वो शॉप्स खुली होंगी, बाकी जो भी रात को फास्ट फूड की शॉप्स होती हैं वो रात को ज्यादातर जो है वो एक्टिव होती हैं। तो अभी हम टोकन ही ना देता फिर अगर किसी ने सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए आना है तो यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते का भी मतलब कि काफी सारी शॉप्स हैं अंदर, बटर मार्केट अच्छे हैं, चने बनपाए ना गुल भाई के अंदर जा रहे हैं। चल रहा जी होने चले, बस ये देखें सामने बहुत ज्यादा रश है। हाँ जी भाई ये तो राशि बड़ा है। हेलो हैं तो बस हमें जो है वो टोकन मिला था 121 नंबर तो भी हम चलते हैं ऑफिस की तरफ, नाश्ता करते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तो हम आ चुके हैं, अपना ऑर्डर दे दिया है अपने चने का और साथ में शोभा चने साथ में आज फिर हम शोभा जी का नाश्ता करेंगे आज फिर हम। वैसे मैं कह रहा था कुछ और वैसे कह रहे थे चल अपन यही खावा, कल भी यही करके गए हैं, कल चला गए चले गए। हाँ फिर लेट हो गए थे ना, मैं चला गया दफ्तर, मेरे तो बाद नहीं, हम लोग 9:15 आ गए थे, नाश्ता मैंने तो बाद किया, मैं पहले करके चला गया था। अभी बिल्डर साहब आ गया, फिर नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया, करते हैं शुरू अपना नाश्ता। हमने का रोगन निकाला है। हाँ जी मैंने रोगन निकाला है, मैंने रोगन ही ना। ओहो ये क्या किया, तो भी बस हम जो है नाश्ता करके आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, 5 मिनट के सफर से हमारा ऑफिस है, तो नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, बहुत मजे का नाश्ता था। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, या तो भाई ये है साथ में ग्राउंड है छोटा सा, 3-4 ग्राउंड है क्रिकेट के लिए, मडल टाउन लिंक है यहाँ पे, स्पेशल रोड के साथ लिंक करता है, एक्सटेंशन है मडल टाउन के, तो देखें ये सीधी रोड जो है हमारे ऑफिस को जाती है, तो बिल्कुल तलफते के साथ ही हमारा ऑफिस है, दोनों का ऑफिस है। ये थी हमारी सुबह की रूटीन, सुबह उठ के ना हाथ हो के हम निकले सीधा ऑफिस की तरफ, आपने काम था वो हमने किया, लेकिन छोड़ दिया, कल के ऊपर छोड़ दिया, आप इंशाल्लाह चले आएंगे
कल दोबारा चला सुबह जल्दी उठने के फिर आज तो करना कि अर्ली आके जरा जल्दी मिल जाता है क्योंकि आज तक सबकी बहुत ठीक है। बाइक बाइक चलाते हैं तो आपके ऊपर पर्चा है तो मेरा तो बना हुआ है, आकु भाई का रहता है, उन्होंने भी बनवाना है तो इनका पहले नंबर बना हुआ है, अभी रिन्यू करवा के साथ फिर हम इसकी ट्राई करवा देंगे तो इंशाल्लाह जो है कलेक्शन बन जाएगा। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है बहुत सख्ती की हुई है इसके ऊपर, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले DHA में यहाँ पे एक हादसा हुआ था, एक बच्चे ने कम उम्र बच्चे ने गाड़ी जो है वो ठोक दी थी, तो उनके काफ़ी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो 6 मेंबर जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर जो है वो पुलिस एक्शन में आई तो फिर इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती कर दी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप मोटर वे पर नहीं चल सकते, आप बाइक नहीं चला सकते, सीधा वो जब पकड़े गए तो आप फिर FIR हो जाती है। तो इस वजह से फिर अभी ज़रूरी हो गया है लाइसेंस बनाना। और आके भाई का तो मैंने तो बहुत अरसा पहले इनको कहा था कि आप बनवा लें लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी और अभी इनको बाइक चलाने भी मतलब दुश्वार हो रही है, नहीं चला सकते क्योंकि पता है कि वो पकड़ लेंगे और जगह जगह पे वो खड़े हुए हैं। तो मैं तो इनको रोज कहता था कि भाई बना लो भाई साहब सुनते नहीं है, नहीं अब बनाएंगे हाँ अब बनाना पड़ेगा ना, अब तो गाड़ी भी नहीं चला सकते भाई, बनवा रहे हाँ जी। तो अगर तब बना होता तो आज मुश्किल ना होती क्योंकि अभी इतना रश है, पहले इतना रश नहीं था, जब मैंने बनवाया था इतना रश नहीं था, थोड़ी बहुत शक्ति थी लेकिन इतना रश नहीं था, बहुत ईजिली बन गया। हम लोग रात को गए तकरीबन 12:30 के करीब गए हैं हम तो, एक डेढ़ घंटे में हम वहाँ से फ्री हो गए। नन मेरा पहले बना हुआ था, रिन्यू करवाया उसके साथ ही हमने टाई दे दिए, अभी आपका भी ऐसे प्रोसीजर होगा लेकिन यह है कि अभी वो जलालत हो रही है, जलालत हो रही है, दो दिन हो रही है हो गए हैं, टोकन मिलता है लेकिन इतना वो नंबर आगे होता है कि मतलब कि घंटों लग जाते हैं। अभी हम जहाँ गए हुए थे इतना रश था वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग है आप देख लें, अब 8:30-9:30 का टाइम था लेकिन इतना रश था कि मैं बता नहीं सकता। 121वां नंबर हमारा आ रहा था, मतलब हमसे 121 बंदे पहले बैठे हुए थे, उनके भरने थे फिर हमारी बारी आनी थी, तो उसके साथ साथ हमने ऑफिस भी जाना था जो पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था। फिर हम वहाँ से निकल आए, टोकन हमने वापस कर दिया, किसी का हमने साहब जी के ऊपर नाश्ता ठोका, अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, अभी हमारा ऑफिस जो करीब आ गया, अभी आपसे दोबारा मुलाकात नहीं करना 6 बजे के बाद। भाई जी ऑफिस से फ्री हो के बड़े काम काम लगा के हम लोग आ गए हैं शिवरपुर पर, ब्लॉग कर रहे हैं उमर भाई साथ हैं हमारे कलीग हैं, तो ये देखिए काफ़ी रश से बन रही है, हम आ गए हैं शिवरपुर के ऊपर, अभी यहाँ से हम पुलाव खाएंगे, यहाँ का पुलाव बहुत मज़े का है तो आप भी यहाँ पे आएँ पुलाव खाएँ, बहुत ही मज़े का और टेस्टी पुलाव है, और भी इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें आइसक्रीम है, इसमें काफ़ी इनका अच्छा मतलब मेन्यू है, आप यहाँ पे ट्राई करेंगे बहुत ही मज़े के। तो भाई साहब हमने जो है वो पुलाव ऑर्डर किया था, साथ में चमड़ी की है, एक जो है इसमें चिकन का पीस है, पुलाव है बहुत मज़े का है, साथ में चमड़ी रहता है, चमड़ी की है, अभी हम इसको करेंगे इंजॉय, आप भी आएँ फिर शिवपुर पर इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़े का फूड है इनका, तो अभी हम करते हैं इनको टेस्ट और फिर आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो हमने खाना खा लिया है, शिवर से हमने पुलाव खाया,
काफ़ी यहाँ पे जो है देख रहे हैं बहुत ही इनका जो है वो ग्लो है। आज का ब्लॉग हम यही खत्म करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएँ और कमेंट ना करें।